आज हम आपसे बात करने वाले हैं सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जो प्राइवेसी पॉलिसी चल रही है आजकल, उस पर हम आप पे अपडेट लेके आए हैं। हम आपसे बात करेंगे कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, आदि जो भी इतने सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस पर क्या प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो हो रही है, क्या नए अपडेट आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। बात क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है आज बात करने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उसका रीजन है कि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेके आ रहा है। ये प्राइवेसी जो पॉलिसी है, ये व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हम एक नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप अकाउंट में भेज रहे हैं, जिसको आपको एग्री करना रहेगा। यह डेट दिया हुआ है कि 8 फरवरी 2021 तक जो इस पॉलिसी को एग्री नहीं करेगा, उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। मतलब निजता का कहीं ना कहीं हनन होगा हमारे। हम आगे इस पर डिटेल पर बात करेंगे आगे। पहले सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी एप्लीकेशन होता है, आप अपने सेलफोन पर या स्मार्टफोन पर उसको अब डाउनलोड करते हैं और रखते हैं, तो वो आपसे प्राइवेसी के लिए हमेशा डिमांड करता है, और आप जब उसको एग्री करते हैं तभी वह फंक्शन करता है, और आपके जो भी डेटा वो मांगता है, आप उसको एग्री करते हैं तो ही वो इसको कैप्चर, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्टोर कर पाता है। तो यही जो है कि इस बार व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेके आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, जब 2009 में चिरकुट, माने आरकुट, आरकुट का दूसरा नाम हम अपने हिसाब से उसको चिरकुट कहते हैं, जब आरकुट का समय चल रहा था 2007-08 में और 9 में, तभी उस समय व्हाट्सएप आता है और व्हाट्सएप कहता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसके डीएनए में ये रहता है कि हम आपके प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, हर हाल हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी जो निजता है वह कहीं दूसरी जगह न जाए। वो ऐसा जब नया नया व्हाट्सएप आता है तब ये कहता है। और ये अगर आपको याद हो पुराना 2009-10 में, तो वो $1 चार्ज करता था कि आप अगर हमारे मैसेजिंग ऐप को यूज करते हैं तो हम आपको $1 चार्ज करेंगे। फिर होता क्या है कि 2013-14 आता है, उस दरमियान इस व्हाट्सएप को फेसबुक खरीद लेता है, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक, उसको खरीद लेती है, किसको, व्हाट्सएप को। तो माने पैरेंट कंपनी है फेसबुक की, पैरेंट कंपनी है कौन सी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो वो ये तीनों फेसबुक ही चला रहा है। अब अगर आप अभी भी अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करेंगे तो नीचे छोटा सा लिख के आता है, फेसबुक भी लिख के आता है, और ठीक है, माने तीनों ही इंटरलिंक है, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक ही और व्हाट्सएप ही, क्योंकि ये तीनों कंपनियों के मालिक वर्तमान समय में एक ही है। अभी नई पॉलिसी क्या है, इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे कि ये पॉलिसी लाने की वजह क्या है। इस पॉलिसी को लाने की वजह है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, गूगल हमारे डीएनए में भर चुका है। अगर हम कहीं इंटरनेट पर कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो गूगल के माध्यम से ही कर पा रहे हैं, ठीक है। हम गूगल सर्च करते हैं, हम यूट्यूब अगर यूज कर रहे हैं, जिससे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, वो भी गूगल का ही है। अब गूगल क्या करता है कि गूगल के पास इतने सोर्स अवेलेबल हैं कि गूगल उस सोर्स के माध्यम से आपको प्रचार दिखाता है, चाहे वो किसी, आप अमेजन किसी कंपनी के आप साइट पर जाएं, या आप किसी जो ये ऑनलाइन सेलिंग कंपनियों की साइट है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील, आप देखेंगे कि आप जाएं और इनको आप सर्च करें, और सर्च करने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं, या आप उसको बाई या ऐड टू कार्ड कर देते हैं, या आप उस देर उसको देखते हैं, उसका डिटेल देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, तो आप एक चीज नोट किए होंगे कि आप वही गूगल पर आते हैं, तो उसी का कहीं ना कहीं प्रचार आपको, एडवर्टीजमेंट आपके सामने खुल के दिख जाता है, ठीक है। तो यही काम है व्हाट्सएप का भी, यही काम वो व्हाट्सएप भी करने वाला है, यही काम गूगल कर रहा है। अब कैसे कर पाता है, अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दे कि जैसे हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं, फिर वीडियो को हम अपलोड करते हैं, तो क्या करता है, यूट्यूब बहुत सारी चीजें हमसे पूछता है कि एक 100 शब्दों का
लाइन पूछता है कि ये पंच लाइन क्या है, माने इसका जो टाइटल होगा वो क्या होगा, तो हम 100 शब्दों में टाइटल भरते हैं। जैसे इस वीडियो में हम क्या भरेंगे कि न्यू अपडेट व्हाट्सएप पॉलिसी, ये हमारा टाइटल होगा। फिर टाइटल के बाद हमको डिस्क्रिप्शन भरा जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में भरेंगे हम कि भाई हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन होगा। फिर आप देखते होंगे कि हैशटैग यूज करते हैं लोग, तो हैशटैग भी वो भरवाता है कि हैशटैग में आप क्या कर रहे हैं। हैशटैग में मान लीजिए हमने व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम लगा दिया, ठीक है, तो वो उसके काम की चीजें मिल गई। फिर इसके बाद आप देखते होंगे कि नीचे सबसे ऑप्शन आता है टैग लगाने का, तो टैग लगाएंगे कि भाई टैग हम वही लगाएंगे जो हम उससे रिलेटेड चीजें बात कर रहे हैं, या वो रिलेवेंट है किस चीज के लिए, उन चीजों का हम टैग लगाते हैं। जो भी यूट्यूब चलाते हैं उनको ये सब चीजें मालूम है कि ऐसा किया जाता है, तो उसके पास एक डेटा मालूम हो गया है। उसके पहले वो परमिशन भी मांगता है कि ये किड्स के लिए है कि नहीं है। तो आप जनरली, हम लोग जैसे यूट्यूबर है जो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो नॉट फॉर किड्स करके ऑप्शन कर देते हैं, माने किड्स के लिए नहीं है। तो उसको ये चीजें क्लियर हो गई कि किड्स वाले एडवर्टाइजमेंट यहां नहीं फेंकना है। और जब वो इतने सारे डेटा को अवेलेबल, माने उसके पास ये डेटा उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो गूगल को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि गूगल के माध्यम से ही प्रचार आते हैं। तो गूगल को ये मालूम हो गया है कि ये किन के लिए है, किस तरीके का डेटा होगा, कितने वर्ष के लोग इसमें आते हैं। और आप अगर यूट्यूबर हैं तो आपको मालूम है कि यूट्यूब एक एक जानकारी आपको दे देता है कि किस एज ग्रुप के आदमी देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं कि महिलाएं देख रही हैं, ये सारी जानकारी आपको वो दे देता है YT स्टूडियो के माध्यम से। अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस चीज को बड़ी बात कि आप जानते होंगे किस कंट्री में देखा जा रहा है, कितना देखा जा रहा है, ये सब भी जानकारी दे देता है। तो उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि आपके मतलब का एडवर्टीजमेंट, आप जिस यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं उसमें वो चीजें आती हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो इस चीजों को। तो यही चीज ये व्हाट्सएप करने वाला है, और यही व्हाट्सएप करने वाला है इसीलिए इस प्राइवेसी को अपडेट कर रहा है वो, तो इसी अपडेशन को लेके आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं व्हाट्सएप कोई चार्ज नहीं करता, व्हाट्सएप ये कहता है कि हम फ्री मैसेजिंग सुविधा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि फेसबुक भी प्रचार एडवर्टीजमेंट दिखाता है आप सबको, पर फेसबुक सही एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा पाता। एक रेडी लगाने वाले या साइकिल चलाने वाले को वो इनोवा का प्रचार दे देता है, भाई वो नहीं ले सकता है, क्योंकि खुद भी अपने जीने के लिए सरवाइव कर रहा है। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जैसे जो उसके लिए कैपेबल नहीं है उसको दिखा देता है। तो इस माध्यम से, इस प्राइवेसी माध्यम से वह ये चाह रहा है कि अगर हम ये प्राइवेसी पा जाएंगे तो हमको एडवर्टीजमेंट दिखाने में प्रॉफिट होगा, इसलिए ये अपडेट लेके आ रहा है। अब निजता की बात आ रही है, तो आपका ये क्या क्या डेटा लेगा ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपके फोन नंबर से ये बनता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा। तो आपके वीडियो, जैसे आपको इसमें नया क्या ला रहा है, वो नया ये ला रहा है कि आपका जो लोकेशन ट्रैक कर पाएगा, ये भले आप लोकेशन ऑन करते हैं या नहीं करते हैं, पर फिर भी ये लोकेशन आपका ट्रैक कर पाएगा कि जैसे अभी हम जहां शूट कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट सीधी है, अगर हम सीधी से चल के रीवा जाते हैं या भोपाल जाते हैं, तो ये व्हाट्सएप को पता होगा कि आज यह आदमी या ये मंडलीक मिश्रा भोपाल गया हुआ है, उसको ये चीज नॉलेज रहेगा। आप जहां जाएंगे, भले आपका लोकेशन ऑन है या नहीं है, क्योंकि आप परमिशन दे देंगे, तो वो चीजें आपकी ऑन रहेंगी और उसको मालूम रहेगा, और ये डेटा अपनी जगह सुरक्षित रखेगा। कहां कहां सुरक्षित रहेगा ये आगे हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका कॉल, जो वॉइस है, वॉइस को भी ये स्टोर रखेगा। यद्यपि जो आप बोलकर मैसेज कर देते हैं तो ऑलरेडी वो परमिशन पहले भी लेता था, पर जहां तक अभी प्राइवेसी की बात है वो कहीं उसको रिकॉर्ड नहीं रखता था, पर आगे से वो चीजें आपको रिकॉर्ड रखेगा। आपने देखा होगा वैसे मैसेजों में लिखा रहता इंड टू इंड इनक्रिप्टेड लिखा रहता है। इनक्रिप्टेड के बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे अभी और बता दें कि इसमें क्या मेजर क्या है, मेजर क्या है कि फोटो और वीडियो भी आपके ये सुरक्षित रखेगा अपने
जगह पे जहां भी इसका सर्वर बना हुआ है वहां अपनी तरीकों से इसको सुरक्षित रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है कि आपके पेमेंट को, ये सारे ट्रांजेक्शन आईडियो को, ट्रांजेक्शन कौन कितना करता है उसका भी ये डेटा रखेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन में समझने वाली बात है, लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन ये जान लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप भी पेमेंट बैंक हो गया है। किस तरह, जैसे हमारा पेटीएम है, गूगल पे है, और जैसे हमारा पेटीएम है, आप जानते होंगे कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए, ये सब आपका ट्रांजेक्शन रखते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप वन ऐप खोलें और उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो एक एक कितना आप में डेबिट हुआ, कितना आपका क्रेडिट हुआ, मतलब कितना आया और कितना आपने दूसरों को भेजा, वो एक एक रुपए का हिसाब आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो उसी तरह से, क्योंकि ये भी पेमेंट बैंक हो गया है, यूपीआई से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये उस पेमेंट का भी हिसाब किताब रखेगा कि आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। अब इस हिसाब किताब को रखने का सिर्फ एक रीजन है कि उसको ये पता हो जाएगा कि ये किस कैलिबर का आदमी है, या दूसरे शब्दों में, या खराब शब्दों में कहें कि इनकी औकात क्या है पैसे की। भाई अगर हम 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, माने हमारी औकात ठीक ठाक है। अगर हम महीने में 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट आएगा। तो सारा खेल एडवर्टीजमेंट का है, आपको कुल मिला के ये समझना है। अब ये व्हाट्सएप इस प्राइवेसी के माध्यम से यहां से वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा और अपने डेटा को स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद वो अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम को देगा, जिससे वहां एडवर्टीजमेंट सही चल सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि सर्वाधिक एडवर्टीजमेंट या कंपनियां हैं जो कि गूगल के पास जाती है, क्योंकि गूगल सही तरीके से एडवर्टीजमेंट को भेजता है कि किसको कौन सा एडवर्टीजमेंट दिखाना है और रिलेवेंट है, जिससे ये उधर कन्वर्ट हो सके। उसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी मिलकर यही कार्य करने वाले हैं, इसलिए इस पॉलिसी में बदलाव हुआ है। अच्छा, ये पॉलिसी बदलाव में उहापोह होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने एक केस सुना होगा, बहुत सुशांत सिंह राजपूत वाला केस बहुत उछाला गया था। आपने देखा होगा कि कई ग्रुप चैटें लीक हुई थी। वो लीक कैसे हुई, आप गूगल भी करेंगे तो आपको एक चीज की जानकारी मिलेगी कि जो भी व्हाट्सएप का माने ग्रुप है, ग्रुप को किसी भी तरीके से हैक किया जा सकता है, या उसकी नई लिंक कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती है, आप उस ग्रुप में जा सकते हैं, वहां की चैट देख सकते हैं। यद्यपि व्हाट्सएप अभी भी कह रहा है, पहले भी कहता है, और आप अगर व्हाट्सएप अभी भी खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें सबसे ऊपर एक डब्बे में लिख के आता है इन टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड क्या है वो हम आपको बताएंगे सबसे आखिर में। इनक्रिप्टेड, जहां हम इनक्रिप्टेड के अलावा हम टेलीग्राम और सिग्नल नामक कुछ एप्लीकेशनों की और बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा जो संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है वहां निजता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई। यद्यपि हर चीजों को वहां एलोबरेट तो नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाले केस में बता दिया था कि कैसे सारों को माने स्टडी करने के बाद कैसे उसको माना जाएगा, भले वो लिखा नहीं, जैसे विवाह का आप कहीं भी नहीं पाते हैं कि वो लिखा हुआ है, पर वो फॉलो होता है। ठीक है, जुडिशरी में है पर हमारे आर्टिकल में नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने एक आईटी एक्ट लेके आया है, भारत सरकार द्वारा सन 2000 में एक आईटी एक्ट पारित हुआ है। उस आईटी एक्ट के तहत आप सोशल नेटवर्किंग साइट को माने उस एक्ट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि वो कोई भी ऐसी चीजें ना आए जो उस एक्ट के हिसाब से न हो, भारत में इस तरीके से उस पर प्रतिबंध या उसका संचालन आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से किया जाता है। अब देखने वाली यह बात है कि सरकार का स्टैंड इसमें क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें निजता का हनन हो रहा है। यद्यपि और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आप ध्यान नहीं देते हो, जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो ढेर सारा एग्री वो पहले ही ले लेता है, तो ये भी वही कर रहा है। पर इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो इस पर ज्यादा बवाल कट रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, पर 8 फरवरी 2021 तक आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना होगा कि आगे हो सकता है कि इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हो, या हो सकता है कि जो इस पॉलिसी को नहीं एग्री नहीं करेंगे
उनका अकाउंट बंद हो जाए। अब हम बात करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड क्या है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मान लीजिए कि पर्सन ए माने मैं, मान लीजिए कि मैं हूं ए और ये बी है, बी है सर्वर और सी है जिसको मैं मैसेज कर रहा हूं, ठीक है। सपोज करना है यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारा ये कैनन का जो DSLR है 750D इसको मैं मैसेज कर रहा हूं और मैं स्वयं मंडलीक मिश्रा इसको मैसेज कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा इसको कैनन 350D को मैं लिखता हूं आई लव यू, तो जब ये सर्वर में जाता है माने बी ये सर्वर है किसका, व्हाट्सएप का या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का सर्वर है, तो ये इसको कोड में विभक्त कर देता है। सपोज उदाहरण के लिए माने कि इस कोड को DYCA 440 के रूप में ये इसको विभक्त कर देता है सर्वर में, ठीक है। और फिर यही ये इसको भेज देता है, जैसे इसको भेजता है तो ये यहाँ आई लव यू यहाँ 750 कैनन डी के कैमरे में या इस आदमी को भी दिखने लगता है कि आई लव यू भेजा है। लेकिन अगर ये चाहे, ये सर्वर चाहे इसको पढ़ना तो नहीं पढ़ सकता है, इसके पास शक्ति ही नहीं है कोई पढ़ने की, और चाहे यहां से इसको ये रिवर्स करना वो भी नहीं कर सकता कि आई लव यू ही रिवर्स कर पाए, ठीक है। तो ये है इन टू इन इनक्रिप्टेड। अच्छा, आप समझने वाली बात है, जहां हमने टेलीग्राम और सिग्नल की बात की थी तो वहां वो सोशल नेटवर्किंग साइट भी टेलीग्राम और जो सिग्नल है वो भी यही बात करते हैं, इन टू इन इनक्रिप्टेड है। आप चाहे फोन में बात करें, चाहे वीडियो कॉलिंग करें या आप ऑडियो कॉल करें, किसी भी माध्यम से आप बात कर सकते हैं। अब यहां सिग्नल की क्या बात आती है, आप जो एलन मस्क द्वारा कहा गया है तो सिग्नल की हम बात करें अगर, तो सिग्नल क्या करता है, जितने भी इनक्रिप्टेड कोडिंग होती है ये कार्य सिग्नल करता है। सिग्नल कंपनी जो व्हाट्सएप की तरह ही उसका लोगो व्हाइट कलर का अगर आपने देखा होगा, तो ये जो कोडिंग की काम करता है चाहे वो व्हाट्सएप के लिए और टेलीग्राम के लिए, जो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इन टू एंड इनक्रिप्टेड की बात करते हैं, उनके इनक्रिप्टेड इंक्रिप्शन का काम कौन कर रहा है, सिग्नल कर रहा है। तो क्यों ना हम सिग्नल को ही यूज करें। आपका कॉल है या व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं, सिग्नल यूज करना चाहते हैं या टेलीग्राम यूज करना चाहते हैं, बस हम आपको बताएंगे कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट कितने परमिशन लेता है या कितने आपकी डेटा सुरक्षित करता है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक करके आप चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम सिग्नल कौन कौन से डेटा परमिशन लेता है और स्टोरेज रखता है। तो चीजें ये थी व्हाट्सएप की और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें इसका फीडबैक जरूर दें। हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये ऐसे अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।